अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 23 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के दौरान धरना प्रदर्शन भी किया गया। सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं किए जाने के कारण यह हड़ताल अब आगे की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। इसी के चलते मंगलवार के दिन बागली तहसील मुख्यालय पर पुरानी तहसील परिसर में बड़ी संख्या में बागली विकास खंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिका बागली पहुंची, जहां पर उन्होंने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट है कि 23 तारीख से 28 तारीख तक हमारी कार्यकर्ता बहनों ने निरंतर प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर विधायक महोदय से भी मिले हैं, सांसद प्रतिनिधि से भी मिले, सांसद महोदय से भी मिले हैं और सभी को ज्ञापन भी दिया गया है। और ज्ञापन देकर हमने हमारी मांगे सीएम साहब तक पहुंचाने की कोशिश की कि हमको नियमित किया जाए। हमारी एक ही मुख्य मांग है कि हमको नियमित किया जाए, लेकिन हमेशा से झूठे आश्वासन मिलते आए हैं। और इस बार हमने तय किया है कि जब तक हमको हमारा नियमितकरण का लेटर हमारे हाथ में नहीं आ जाता है, हम हमारा निश्चितकालीन, मतलब ये हम मजबूर हो चुके हैं। हमारी मांगों का निराकरण अगर 23 तारीख से 28 के बीच में हो जाता तो हमको मजबूर होकर ये आंदोलन जारी नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई अभी तक। और जितने भी नेता, राजनेता, प्रशासनिक जो भी मतलब अधिकारियाँ हैं, वो सिर्फ एक झूठा दिलासा देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, और वो आश्वासन अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बहनें अत्यंत मजबूर हो चुकी हैं इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए, नियमितीकरण के लिए। क्योंकि अगर महोदय जी, और हमने, हाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग देवास गए थे। देवास जाकर हमने थाली और चम्मच से बजा बजा कर सीएम महोदय को जगाने की कोशिश की कि अगर उनके कान हो तो सुन ले वो। ये सब हमने मोदी जी से सीखा है कि उन्होंने जो थाली और चम्मच बजा कर कोरोना को भगा दिया, और अगर किसी को जगाना होता है तो हम थाली और चम्मच का उपयोग करके उसको बजाकर हमारी आवाज़ उस तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे सीएम महोदय से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि कम से कम अब तो हमारी आवाज़ सुन ले। हमारा मुख्य मांगे हमारे नियमितीकरण की, जो हमारे महामंत्री, जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं, उन्होंने जो पॉइंट पर बात रखी, उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट पर बात रखी है, जैसा कि पोषण ट्रैकर और संपर्क, 3 महीने का मानदेय रुका था। वो ऐसा नहीं है कि पहली बार मानदेय रुका, हमारा मानदेय इसके पहले भी रुका है, और हमको ये पता था कि दोनों होना चाहते हैं। हमारी मुख्य मांगे नियमितीकरण की है, लेकिन उसके बारे में हमारी जो महामंत्री द्वारा कोई भी चर्चा नहीं की गई है। और जब तक मतलब उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे धरना प्रदर्शन को एक झूठा आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, और उसका हम विरोध कर चुके हैं, और हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक हम नियमित नहीं हो जाते। हमारी एक ही मांग है, हमारी मुख्य मांग है कि हमको नियमित किया जाए। और प्रदेश के कोने कोने से बहनों ने ललकारा है, प्रदेश के कोने कोने से बहनों ने ललकारा है, और जो बहनों के हित की बात करेगा अब वही प्रशासन राज करेगा। जो बहनों के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।